क्या हाल है। सो आई एम प्रमोद यादव भाई और ये है अपने पास ब्यूटी पीछे 2023 अपाची RR310 BTO 20% इथेनॉल वाली। एंड भाई इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके रिव्यू की, क्या बाइक है, क्या फीचर्स ऑफर कर रही है 2023 में, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं और BTO में क्या चीज़ मिलती है आपको। और नए हो तो सब्सक्राइब करना और भाई इसके ओनरशिप रिव्यू भी आने वाला है चैनल पर जल्द या फिर आ गया होगा, तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है, बने रहना नए बंदे हो तो और सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये खड़ी अपने पास ब्यूटी 2023 TVS Apache RR310 BTO वर्जन। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, उससे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो भाई ये पड़ी है 3,50,000, मतलब 3.5 लाख के अराउंड पड़ी है ऑन रोड गुड़गांव में। एंड ये BTO वर्जन है तो ये अराउंड 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ती है भाई, जो नॉर्मल है वो आपके अराउंड 320 के आसपास पड़ जाएगी या 325 के आसपास, बाकी स्टेट वाइज वेरी करता है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। सो फ्रंट लुक देख लो, काफ़ी सेक्सी लगता है इस बाइक का लुक ही, तो इस बाइक की काफ़ी अच्छी लगती है भाई। एंड इसका फ्रंट में आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाता है। ये 99 जो है ये कस्टमली करवाया गया है BTO में बोल के, वो तो अलग से आया, इसमें नॉर्मल में नहीं आती ये चीज। व्हाइट कलर है ये, एंड ये पूरा रेड एंड व्हाइट एक्सेंट में दे रखा है। यहाँ पे ट्राइकलर मिल जाता है, इंडियन फ्लैग, अपनी इंडियन ब्रांड, काफ़ी प्राउड फील होता है यार इतनी अच्छी बाइक बना रही है TVS। एंड यहाँ पे TVS रेसिंग सिंस 1982 का ब्रांडिंग मिल जाती है। बाई एलईडी टेक्नोलॉजी की लाइट मिलती है, मतलब यहाँ पे क्या है कि बाई एलईडी मिल जाती है, प्रोजेक्ट हेडलाइट मिल जाती है LED। ये लुक्स देखो इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, नाइट के टाइम थ्रो भी अच्छा रहता है। एंड ये LED है, मैं एक बार लाइट ऑन करता हूँ तो ये देखो LED काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। एंड यहाँ पे रेड ग्राफिक्स मिलता है, ये एक्सेंट है ब्लू का, एंड ये हॉर्स की ब्रांडिंग काफ़ी कूल लगती है। फ्रंट फेस तो इसका काफी एग्रेसिव एंड शार्प लगता है। इसका मडगार्ड मिलता है रेड कलर का, ग्लोसी कलर है तो शाइनिंग काफी अच्छी आती है, वॉश करने पे काफी बढ़िया रहेगी, चमक के आ जाएगी। फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको गोल्डन फोक्स USD, और भाई काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन क्वालिटी इस बाइक की, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, सुपर बाइक जैसे फीचर इस बाइक में। ABS मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं डुअल डिस्क के साथ, 300mm की पेटल डिस्क मिल जाती है आपको फ्रंट में। रेड अलॉयस मिलते हैं इस कलर के साथ, काफ़ी सूट कर रहे हैं भाई और काफ़ी स्पोर्टी भी लगते हैं। एंड कुछ फीचर्स मैं आपको आगे बताऊँगा इसके। तो इसमें जो डिस्क देख लो पेटल डिस्क है, तो ब्रेकिंग इसकी टॉप नोच है, कॉन्फिडेंस आएगा पूरा का पूरा, बाइट आएगी अच्छी सी, मैंने चला भी रखी। बाकी इसका राइड रिव्यू चैनल पर लाएंगे तो आप कमेंट करना चाहिए। तो मिशलिन रोड 5 टायर्स है, मतलब सुपर बाइक वाले टायर्स है, ट्यूबलेस टायर, ग्रिप देख लो काफ़ी अच्छी है, एंड रोड पर काफ़ी चिपक के चलेगी ये, फुल आपको स्टेबिलिटी हैंडलिंग में हेल्प करेगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बात करें इसके साइड लुक से, साइड लुक देख लो काफ़ी मतलब सेक्सी लगती है ये चीज़, तो मतलब इसकी इतनी शार्प लगती है, मिनी डुगाटी बोल लो आप, डुगाटी जैसी लुक देती है। और ये कलर तो देख लो काफ़ी सही लग रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन देख लो आप, TVS रेसिंग बड़ा सा लिखा हुआ है Apache, मतलब ब्लू जो आपका बोलते हैं ना वॉयलेट कलर हो गया, रेड व्हाइट येलो ये सब एक्सेंट दे रखे, ब्लैक का एक्सेंट हो गया। तो बात करें इसकी फेयरिंग पे, यहाँ पे TVS मिलता है व्हाइट में बड़ा सा, रेसिंग रेड में, एंड ये व्हाइट ग्राफिक्स हो गया, ये अपना ब्लूइश एंड येलोइश ग्राफिक्स हो गया। यहाँ पे Apache लिखा हुआ है बड़ा सा, DOHC रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है आपको यहाँ पे, व्हाइट आपको ये पूरा सेक्शन मिल जाता है नीचे, काफ़ी अच्छा सेक्शन मिलता है। एंड नीचे बैठी तो ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ये देख लो ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी सी नीचे ही होती है, एक मतलब रेस ओरिएंटेड बाइक लगती है काफ़ी, और साथ साथ इसका कंफर्टेबल पोस्चर भी है, मतलब बढ़िया है ये चीज़ इसकी। एंड अब बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी स्पोर्टी लगती है, मतलब यार जब बैठोगे ना आप ग्रैब कर लेगी, इसमें आपको फील आएगा, तो हैंडल बार पकड़ोगे पूरा एक पोस्चर आता है बढ़िया से ना, फुल टैंक काफ़ी स्पोर्टी आपको फील देने वाला है। यहाँ पे काफ़ी वाइड है, यहाँ से नैरो है, यहाँ से काफ़ी वाइड होते हुए जा रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। 3D में हॉर्स की ब्रांडिंग मिलती है सिल्वर में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये A20 की ब्रांडिंग, मतलब ये है E20 वेरियंट है, ये BS6 का सेकेंड वर्जन बोल लो, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल में चलेगी, और स्मूथ इंजन कर दिया गया है। अब RR310 की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे की तरफ पोस्चर और थोड़ा सा अपराइट, मतलब बैलेंस है, हाथ
सही रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, आपके हाथ में पेन है और सिटी चला लो, थोड़ा रोंग राइड भी कर सकते हो आप इसमें। RC90 में तो हो गया, जैसे R15 उनमें तो काफ़ी नीचे होता है, इसमें काफ़ी सही है ये चीज़। एंड क्लिप ऑन हैंडल बार से, और ये मतलब कितना प्रीमियम लग रहा है, देखो सिल्वर में ये चीज़ काफ़ी प्रीमियमनेस हर जगह एड मिलेगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, टॉप नोच है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है इस बाइक की ना। पेंट क्वालिटी, पेंट जॉब काफ़ी अच्छी कर रखी है, क्वालिटी अच्छी लगती है। स्लीपर क्लच मिलती है, लाइट है, बट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं दे रखे, ये देने चाहिए थे यार, ये लैक है। एंड बटन क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, हॉर्न सुना देता हूँ, लाउड हॉर्न है। इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है, यहाँ से स्विच ऑफ कर सकते हो, ये स्विच ऑन कर सकते हो, और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट दे सकते हो। यहीं से बंद कर सकते हो, आवाज़ भी आपने सुन ली। ये कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट है भाई, बेसियर है, और भागोगे तो और अच्छी आवाज़ आएगी। ये प्री लोड वी, मतलब ये BTO में आता है, जो बिल्ट ऑर्डर ये बनवाया गया है स्पेशल वेरिएंट, उसमें आपका ये फीचर डाला गया है। मतलब ये एडजस्टेबल है, फ्रंट सस्पेंशन और रियर आपके मोनोसोक जो दे रखे हैं वाइट कलर के, देखो मोनोसोक के पीछे की तरफ एडजस्टेबल है, दोनों एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सॉफ्ट और हार्ड का बैलेंस है ये, और फ्रंट तो काफ़ी सही है ही। एंड यहाँ पे 1000 लाइट का बटन मिलता है, मतलब ये आप प्रेस करोगे तो चारों इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे। आफ्टर मार्केट करवाने की जरूरत नहीं, खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा, आजकल आ भी रहे हैं बाइक्स में ये चीज़। बाकी अच्छी चीज़ है, बटन काफ़ी प्रीमियम है, पास की लाइट मिलती है। बाकी इससे पहले की ऑडोमीटर दिखाने से पहले की मिलती है TVS की, ऐसी बड़ी सी थोड़ी सी प्रीमियम सी लगती है वैसे तो। बाकी मीटर देखते हैं अब इसका, जो कि इसकी मेन चीज़। तो ये फ़ोन है पूरा, ऐसा एनिमेशन आता है, TVS रेसिंग लिखाता है, रेसिंग सिंस 1982। तो ये काफ़ी देखो ऐसा UI आता है, फुल कलरफुल TFT डिस्प्ले, फ़ोन जैसा, पूरा फ़ोन बोल सकते हो आप। ये चीज़ काफ़ी इसकी मतलब वैल्यू फॉर मनी बना देती है। RPM स्विफ्ट लाइट भी मिलती है आपको यहाँ पे, बटन से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको RPM लाइट, RPM मिल जाता है, ये स्पीडोमीटर, यहाँ पे गियर दिखाती है, और ये टेम्परेचर हो गया, ये फ्यूल टैंक का फ्यूल की फ्यूल गोज, ये कूलेंट टेम्परेचर, ओडोमीटर 517 किलोमीटर चली हुई है अभी, टॉप स्पीड ये कितनी टॉप स्पीड रिकॉर्ड हुई है, फ्यूल रेंज दिखा देती है यहाँ पे, साइड स्टैंड किल स्विच, इन साइड स्टैंड के साथ आपका ऐसे किल स्विच का दिखा रखा है, और साइड स्टैंड इंजन का दो फीचर मिलता है, टाइमिंग दिखाती है। बाकी इससे आप कंट्रोल कर सकते हो सेट बटन से, ये देखो यहाँ पे राइड मोड मिलते हैं 4, ट्रैक, स्पोर्ट, रेन, अर्बन। तो रेन और अर्बन अभी ऑन है, ट्रैक स्पोर्ट अभी ऑफ है, ये फर्स्ट सर्विस के बाद ओपन होते हैं। रेन अर्बन में क्या है कि आपको ABS थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू मिलते हैं रेन में, और बाकी पावर थोड़ी कम मिलती है। स्पोर्ट्स में थोड़ा ABS कम इंटरव्यू मिलते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में, और पावर ज़्यादा मिलती है। वो पावर मैं आपको बता दूँ, इंजन दिखाते हो कितनी पावर मिलती है इनमें, और भाई बैक करें ट्रिप डिटेल दिखा देगी पूरी, ट्रिप ABC डे ट्रिप लिमिटर सब चीज़ आपको इसमें दिखा देती है। माई व्हीकल की डिटेल हो गई, डॉक्यूमेंट वगैरह, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, सर्विस सब कुछ दिखा देगी। प्रेफरेंसेस भी सेट कर सकते हो आप, कनेक्टिविटी इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप ये है कि अपना फोन वगैरह दिखा देगी, स्पीड अलर्ट ये सब दिखा देती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सारी चीज़, स्पीड अलर्ट्स भी इसमें आपको, हेलमेट का भी बताएगी बात आगे आगे, ये चीज़ भी अच्छी इसकी। तो ये सब चीज़ मिलती है। अभी आप इसमें रेन करोगे, देखिए रेन आ गया, तो इसमें आपका UI पूरा चेंज हो जाता है, हर मोड में जो UI चेंज होता है ना कलरफुल, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है बाइक की ये चीज़ है ना, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और साथ साथ फीचर रिच बना देती है इस बाइक को ये। इसमें आपको राइड बाय वायर मिलता है, मतलब वायर सेंसर भी कनेक्ट होती है, रेस जो रेस है ना आपकी, इस सेंसर के थ्रू काम करती है, वायर नहीं है यहाँ पे। GDT टेक्नोलॉजी मिलती है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, रेस फर्स्ट गियर में आप अपना 12 की स्पीड रहेगी अराउंड, और अपना क्लच वगैरह रेस वेस सब छोड़ दो, अपना आप चलेगी, ये चीज़ अच्छी है। एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर, साइड स्टैंड मिलता है। बात कर लेते हैं इसकी मेन इंजन की, तो इसमें आपको यार BMW वाला इंजन मिलता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 312 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिल जाता है आपको यहाँ पे भाई। और इसमें ना आपको पावर की बात कर लें, तो इसमें आपको जो स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड है उसमें आपको 34.5 HP की पावर मिल जाती है, और 27.8 का टॉर्क, तो मतलब उन दोनों में ये कुछ पावर का हिसाब रहता है। और जो आपका अर्बन और रेन है उसमें आपको 25.5 की HP पावर मिल जाती है, और 25 Nm का टॉर्क, तो मतलब ये पावर रहती है इसमें, पावर काफ़ी अच्छी खासी है। और स्पोर्ट्स मोड में आपकी ट्रैक मोड में 160 की स्पीड पकड़ लेती है अराउंड 160-170 की, और जो आपका नॉर्मल रेन और अर्बन है उसमें ये चली जाती है अराउंड ये लगा लो 130 के आसपास। तो ये सीन है कुछ पावर मोड्स का, मतलब इस बाइक में पावर मोड और वो भी कंट्रोलेबल काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। और भाई सीट हाइट की बात कर ले, 810 mm की सीट हाइट है, तो सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है भाई। पोस्चर तो कंफर्टेबल है ही, मैंने आपको बता दिया। सीट देख लो, राइडर के लिए काफ़ी चौड़ी है, बड़ी है, राइडर काफ़ी इजीली बैठ सकता है और कंफर्ट रहेगा।
पिलन के लिए सीट थोड़ी सी छोटी है यार, देखो ये चीज़, और थोड़ी ऊंची भी ज़्यादा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा रहेगा। बाकी ये सेक्शन वाइट में काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रेड और वॉलेट का ग्राफिक है, RR310 लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम। यहाँ पे ग्रिल से दे रखे, लुक काफ़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पे की से आप सीट ओपन कर सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे इंडियन फ्लैग ट्राई कलर, ये देखो काफ़ी प्राउड फील कराता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे RR310, ये ग्रैब हैंडल पीछे पिलन के लिए, और बाकी एग्जॉस्ट देख लो कुछ इतना हैवी सा लगता है, ये थोड़ा बाइक के लुक के साथ सूट नहीं करता, काफ़ी बंदे बोलते इसको चेंज करो, करना तो चाहिए वैसे। पीछे की तरफ डिस्क एंड ये अलॉय, पीछे का टायर 150 सेक्शन मिलता है, फ्रंट का 110 सेक्शन का, काफ़ी चौड़े टायर्स हैं, ये टायर अगर हटाओगे तो लुक अच्छी आएगी, बट बारिश में गंदी होगी, वैसे बारिश के मौसम है। पीछे से लुक देख लो काफ़ी अच्छी आती है इसकी, बहुत अच्छी लुक आती है। इंडिकेटर से LED, आपकी टेल लाइट, ये पीछे की LED लाइट मिलती है, ये भी काफ़ी शार्प लुक मिलती है, डुगाटी जैसा फील देती है, हैवी लगती है, पीछे से बाइक काफ़ी हैवी लगती है दिखने में भाई, ये तो काफ़ी अच्छी है ये चीज़। और 175 kg के अराउंड कर्व वेट मिल जाता आपको इसमें, तो ये सब चीज़ भी सही। माइलेज की बात करें तो यार ये अराउंड वही है 30-35 km/h के आराम से माइलेज दे देगी आपकी, राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है ये। और दिखने में तो यार नो डाउट बेस्ट है ये बाइक, इसका क्या ही कंपटीशन, दिखने में तो सबसे अच्छी मेरे को यही बाइक लगती है दिखने में। बाकी 6-speed गेयरबॉक्स है, काफ़ी स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ होती है, और इसमें क्विक शिफ्टर नहीं दे रखा, क्विक शिफ्टर देना चाहिए था आज के टाइम के हिसाब से, बट चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी बता दी है, और काफ़ी अच्छी बाइक है नो डाउट। सो भाई ये मैंने आपको दिखा दी है 2023 TVS Apache RR310, और हाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, इसमें बिल्ड टू ऑर्डर में जो चेन है वो गोल्डन की आती है, मतलब एंटी रस्ट आती है डाईकास्ट, तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा, ये चीज़ भी उसमें एक्स्ट्रा आती है। और बाकी एडजस्टेबल सस्पेंशन मैंने बता दिया, कलर स्कीम बता दी मेन तो BTO में, और काफ़ी अच्छी बाइक है, किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना, Apache RR310 लवर कमेंट करना, मेरी तो खुद से ड्रीम बाइक है, मेरे को शुरू से काफ़ी पसंद है, आपको पता होगा, तो आप बोलते थे Apache RR310 पर वीडियो लेके आओ, मैं लेके आ गया, और भी वीडियोज आएंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो तब तक खुश रहो, मौज लो, मिलते हैं वीडियो, बाय बाय।